के तमाम छोपड़ वगैरह उतार लिए। चल झूठा, हम उसका रिव्यू वगैरह दे रहे थे। मेरा कजन कहते यार एक वीडियो बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ, तो ये सामने खड़ा हुआ है। तो अच्छा, हम कहने का चलो यार वीडियो वगैरह तैयार करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उल्फत रसूल। उल्फत रसूल, अच्छा तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? जी। और नहीं, रुक, कहाँ से आते हैं? कौन सी साइकिल की? साइकिल की हमने ऑर्डर करवाई, आ गई ना? जी जी। तो चलो फिर, ये मुझे कह रहा था कि भाई यार मेरा इसका ना रिव्यू हो गया, तो अब तो मैंने चलो ठीक है इसका रिव्यू हो गया देते हैं। तो गाइस इसकी ये हमने साइकिल ऑर्डर करवाई है, ये वाली साइकिल। कौन सी है ये साइकिल? सुमक। तो गाइस इसकी जैसे आप इसकी हमने अनबॉक्सिंग वगैरह कर ली, इसके ऊपर से हमने मतलब कि तमाम शॉपर वगैरह उतार लिए हैं, बट ये माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। तो इसके अंदर मतलब कि इसके जो ब्रेक्स हैं ये वी पावर ब्रेक्स हैं, उसके बाद इसके अंदर जो मतलब कि हेडलाइट वगैरह इसकी वो उन्होंने अभी इसने उतार के रखी हुई थी। तो बाकी जहाँ तक इसकी बात की सीट वगैरह की, सीट वगैरह इसकी बहुत हैवी है। तो बाकी ये माशाल्लाह बहुत, चलो उल्फत ये चलाओ ज़रा अंदर ले लो। तो हमारे भाई जान ये चलाने वाले हैं साइकिल, चलो चेक करके बताओ सर ये सही है या नहीं। हाँ चलो बताओ, चलाओ ज़रा सही चलेगी या नहीं, चलाओ ज़रा। सो गाइस आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब कि कंफर्टेबल साइकिल है। पहले तो अनकंफर्टेबल थी इसके लिए, बट अब थोड़ा सा ईजी हो गया। उतरने में कोई मुश्किल तो नहीं है ना आपको? नहीं, नहीं है ना मुश्किल, ए टू जी ओके सारा कुछ। Moments later. दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहले सबसे पहले इसकी टायर की बात करते हैं। तो टायर इसके फुल जेन्युइन ओरिजिनल टायर लगे हुए हैं, ये फुल ओरिजिनल टायर लगे। इसके बाद ये चिमटे की बात करते हैं, चिमटे भी इनके मतलब के फुल हैवी ब्रेक्स के साथ लगे हुए हैं। ये वी पावर ब्रेक्स, यू की पावर ब्रेक्स लगी हुई हैं। उसके ये स्टिकर वगैरह इनके ओरिजिनल स्टिकर है, ना कि डुप्लीकेट। उसके बाद ये मगराट वगैरह भी ओके है सारा कुछ। उसके बाद इसकी जो वाइट्स वगैरह वो भी सारा कुछ ओके है, ब्रेकर वगैरह फुल टाइट। उसके बाद इन्होंने एक बेल्ट लगाई हुई है इसको, पर ये मतलब कि बताता कि भाई साउथ की तरह नॉर्थ की तरह कंपास मतलब कि एक तरीके की होती है। उसके बाद ये एक इसके जो मतलब कि स्टिक्स हैं मतलब डंडे मोटे, ये फुल लोहे के डंडे हैं, ना कि मतलब कि स्टील के डंडे हैं। उसके अगर इसकी बात की जाए चेन वगैरह की, तो सारा कुछ एकदम एक टू जी ओके। उसके बाद इसके अंदर एक हैवी मैटर का स्टैंड लगाया हुआ है, जिसको मतलब कि उन्होंने मोटिवेबल लगाई हुई है ताकि स्कूल से। उसके बाद ये सीट लगाई है पीछे मतलब कि कोई सामान वगैरह रखने के लिए, ये मतलब कि फुल सख्त सीट है, फुल लोहे की बनी मतलब कि। उसके बाद अगर इसकी सीट वगैरह की बात की जाए, इससे इसके नीचे उन्होंने क्लिंप वगैरह भी साथ दिए थे, पर उन्होंने कहा था भाई इसके साथ भी सेटिंग वगैरह हो सकती है। तो अगर इसके हम पिछले टायर की बात करें, तो इसका पिछला टायर अगले वाले से बहुत ही ओरिजिनल, ये मतलब कि बी एम एक्स का टायर है। तो ये टायर तो मतलब कि जो साइकिल है ये सुमा की साइकिलें आती हैं, मतलब कि ये गाँव जिसके पास हम गए थे, तो उसने कहा था कि यार ये पीछे से माल आता साहब, पूरा लाड़ का माल आता कराची में, कराची से फिर उसने मतलब कि डिलीवर करके फिर वो यहाँ पे मतलब कि टैक्सी में उसने ऑर्डर डिलीवर किया। तो हम सस्ता टैक्सी ब्लॉगर जॉइन की, तो फिर ज्वाइन कर लो क्योंकि बहुत ही हैवी ब्लॉग्स होने वाले हैं। तो एक बार अपने छोटे भाई की राय ले लेते हैं। यार आप खुश हो? जी।
खुश हो? जी। क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा रोला डाला था यार मेरी साइकिल लेकर तो फाइनली इसकी साइकिल आ गई। तो अभी इसको हम बाहर लेके जाते हैं, बाहर जाके वीडियो वगैरह लाते हैं चलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। ऐसे तो हमने कहा कि भाई यार, उल्फत कह रहा था कि भाई यार मैंने ना साइकिल को ट्राई करना चलाने के लिए, मैं कहा चलो फिर बाइक चलते हैं। तो मतलब कि ये पट्टियाँ वगैरह ऐसे बनी हुई हैं यहाँ, मतलब कि फसलें वगैरह इन्होंने उगाई हुई हैं, बहुत ही मुफ्त तरीके की फसलें लगी हैं, ठंडी ठंडी हवा चली है, हल्की हल्की धूप लग गई, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है ये। तो ये अभी मतलब कि फुल इन्हें ग्रीनरी नहीं हुई, तो अभी मतलब कि ये दरमियान से इन्होंने रास्ता वगैरह बनाया। तो कहता यार कि मैंने यहाँ से ट्रैक करना, मैं कहा चलो ठीक है यार यहाँ से आप ट्रैक कर लो। तो बाकी माशाल्लाह यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है। तो उल्फत भी बहुत मतलब कि इन्जॉय कर रहा है, मतलब कि इसने भी रोज़ा रखा है माशाल्लाह, अभी 7-8 साल का, तो इसने माशाल्लाह रोज़ा रखा है। उल्फत कितने रोज़े रख लिए हैं? सारे रख रहे हो? माशाल्लाह। तो गाइस अभी यार हम भी साइकिल चलाना देख रहे हैं कैसे चलती है। गाइस साइकिल बहुत ही अच्छी है, तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि अगर आपने साइकिल वगैरह ऑर्डर करनी है तो सुमा की साइकिल वगैरह ऑर्डर करना। इसी के साथ अभी तक आपने सस्ता डकी पे ब्लॉगर ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इनसे मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।